दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 3 दिनों से खिलाड़ियों का धरना जारी है। वहीं आज खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, रवि दहिया और दीपक पुनिया शामिल रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बजरंग पुनिया ने कहा, हमने अपनी मांगे सरकार को बता दी है। उन्होंने आश्वासन दिया है, जैसे ही हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी हम उठकर चले जाएंगे। हमारी इसमें कोई राजनीति नहीं है, ना ही हम किसी राजनेता को यहाँ बुलवाना चाहते हैं। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो मंच पर ना आए। देखिए, लगातार देखा जा रहा था कि कैसे पिछले 2 दिनों से जो पहलवान है वो जंतर मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आज विरोध प्रदर्शन का 3रा दिन था और आपको बताऊं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आप यहां किसी देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई, यानी कि सुरक्षा के मद्देनजर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो यहाँ पर हुई थी। अभी मैं आपको बताऊँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कई सारे जो तमाम बड़े चेहरे हैं खिलाड़ियों के वो मौजूद रहे, साथ में बजरंग पुनिया रहे। इसके अलावा जो खिलाड़ियों की बात करें तो विनेश फोगाट थी, अंशु मलिक थी, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, दीपक पुनिया, सरिता मोर और भी कई सारे ऐसे बड़े बड़े पहलवान थे जो यहाँ पर मौजूद है। हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से। हम भी प्रदर्शन नहीं चाहते, मुझे नहीं लगता कि इतना समय लगना चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री, खेल मंत्री और गृह मंत्री जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुना जाए। हम देश के लिए लड़ रहे हैं तो अपने हक के लिए भी लड़ सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी मौजूदा स्थिति कैसी है। यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जो बहुत सारे जो खिलाड़ी थे वो सब मौजूद थे, लेकिन अब जो मंच है वो खाली हो चुका है। लेकिन जो सहयोगी है खेल के, यानी कि जो सहयोगी है यहाँ पर खिलाड़ी के, वो सारे अभी यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जब तक जो मांग रखी गई है वो पूरी नहीं हो जाती, यानी कि बृजभूषण अपना इस्तीफा नहीं दे देते, जब तक ये नहीं हो जाता तब तक ये प्रदर्शन खत्म होने वाला नहीं है, ये जारी रहेगा। लेकिन सरकार से लगातार ये अपील है कि जो फैसला है वो जल्द से जल्द लिया जाए। बजरंग पुनिया ने आगे कहा कि हमारी ट्रेनिंग खराब हो रही है, हम भी यहाँ बैठे नहीं रहना चाहते हैं। ये साल बेहद ही अहम है, उम्मीद है सरकार जल्द कार्रवाई करेगी। फेडरेशन के अध्यक्ष इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन में केवल खिलाड़ी हैं। शुरुआत से ही खिलाड़ी इसमें साथ रहे हैं और अंत तक खिलाड़ी ही रहेंगे। हमें भी दुख हो रहा है कि हमारे खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं, उनकी ट्रेनिंग खराब हो रही है और हम भी नहीं चाहते कि कितना लंबा चले। हमने अपनी मांगे, जो हमारी मांग है वो सरकार को बोल दी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनको पूरी करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम आराम से उठ के यहाँ से चले जाएंगे। और आप लोगों को बता दूँ, ना तो इसमें कोई राजनीति है, ना हम किसी राजनेता आदमी को यहाँ पे बुलाना चाहते, ना कोई भी आएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वो हमारे ऊपर स्टेज पे ना आए, क्योंकि ये लड़ाई हम खिलाड़ियों की है और लड़ाई गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य गवर्नमेंट से किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। हम देश के लिए लड़ रहे हैं तो हम अपने हक के लिए भी लड़ सकते हैं। कोई भी पार्टी का आदमी हमारे साथ नहीं है, ये अफवाह ना फैलाई जाए कि राजनीतिक पार्टियां हमारा साथ दे रही है, बल्कि हम मंच पर उनका स्वागत भी नहीं करेंगे। बात करें तो फोन डिटेल भी खंगाल सकते हैं। हम किसी भी तरह से पार्टियों के टच में नहीं है। हमारी एक ही मांग है कि फेडरेशन को भंग किया जाए, स्पेशल कमेटी बनाई जाए और सरकार जल्द ही कार्रवाई करे। जरूरत पड़ी तो हम कानून के हिसाब से ही चलेंगे, जितना जल्दी होगा हम यहाँ से चले जाएंगे। आरोप अगर साबित करने की बात है तो हमारे पास स्क्रीनशॉट भी है और वो लड़कियाँ खुद भी गवाह है जो उत्पीड़न का शिकार हुई है। हम कानून का सहारा लेकर चलेंगे। अध्यक्ष जी ने कहा है कि प्रूफ होगा तो फांसी पर लटकूंगा, तो ये भी जल्द होगा। हम हिंदुस्तान के लिए खेलते हैं, ना कि किसी जाति के लिए, इसीलिए यहाँ जातिवाद नहीं लाए। हम सभी लोग ट्रायल में प्रूफ करके ही जाते हैं। सभी मेडलिस्ट यहाँ बैठे हैं जो इंडिया के लिए खेलते हैं। हमें शर्म इस बात की आ रही है कि हमारे सीनियर खिलाड़ी चुपचाप चले गए। ये सभी खिलाड़ियों के हित का सवाल है। बहरहाल खिलाड़ियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है तब तक वो न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।